तो दोस्तों, अभी मैं जिनसे मुलाकात कराने जा रहा हूँ आपको मेरे चैनल के थ्रू, वो है मास्टर जी की वाइफ धर्मपत्नी श्रीमती फूलवती कालीरमन जी, जो मास्टर जी की जो जर्नी थी इतने सालों की रेसलिंग के थ्रू, तो उनका साथ इन्होंने पूरा दिया है। तो मैं एक बार मुलाकात कराऊंगा। तो दोस्तों, मुझे जो माता जी के बारे में बताया गया था, ये हमारे खलीफा जी हैं लेखराम जी, तो उनकी तरफ से बताया गया था कि इनका भी इंटरव्यू लेना है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी साथ रहे हैं ये। तो मैं चाहता हूँ कि यही आज माता जी का इंटरव्यू लें। नमस्कार खलीफा जी, और फिर दोबारा स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने शब्दों से माता जी का इंटरव्यू लें। माता जी नमस्कार। माता जी पूरा पूरा आशीर्वाद है, और गुरु जी की देन है हमारे ऊपर, पूरे परिवार की देन है। और मैं तो गुरु जी के वजह से ही आज हल्का सा जिंदा हूँ ना, और मुझे यहाँ आने से बड़ी तसल्ली होती है। बेटे ने पहलवानियाँ की और तैयार किया गुरु जी ने 2 साल में, और 2 साल में तैयार करने के बाद वो अच्छे लड़वा दिया। इंदौर में कुश्ती मंगल से हुई, जोगिंदर से हुई, काफ़ी अच्छे तगड़े बच्चों से पहलवानी की, उसमें किसी कारण वो नहीं हो पाई। ये एक भाग्य की बात है, लेकिन गुरु जी की जो मेरे दिल में जगह है बहुत ज़्यादा जगह है। और गुरु जी की पहलवानी करवाने के योगदान जो आप ही को है, मैंने सुना और देखा भी है, पूछते रहे हम यहाँ पहलवानी, तो जगदीश भी आपके साथ था छोटा सा, साथ जाते और गुरु जी से की पहलवानी आपने महाराष्ट्र में करवाई, साथ जाते थे और बाहर करवाई, और साथ में रहते थे, साथ में खाना बनाते थे उनका, और किसी का खाना नहीं खाते थे आपके हाथ से। और मैंने सुना है कि खाना खाते थे लेकिन रोटी को हाथ ना लग गया, वो साफ सफाई करने वाले बहुत थे, सीधा कहीं नहीं खाते ना, मैंने देखा उनको। तो बहुत बढ़िया बात है कि गुरु जी के पूरे असर और पूरे पैदरे पे चलते हैं। जिसको भी मैं साथ रही, फिर वो नहीं मुझे को मैडम आप जाओगे मैं साथ रही, इसको कभी अकेला नहीं ले जाता। तो माता जी बहुत योगदान आपका, और आज जगदीश की और पूनम जी की, इनकी भी कोई मैं कह रहा हूँ दिल से सम्मान करता हूँ। गुरु जी का परंपरा अखाड़ा से मानना और देखना, क्या पूनम जी को मालूम था कि मेरे भाग में वो अखाड़ा मिलेगा? ये भी एक भाग्य की बात है। देखो कहाँ पूनम जी आई, और आज जगदीश के बगैर ये अखाड़ा से मानना, बच्चों को संभालना, मुझे तो लगता है कि आधी पहलवानी तो ही सीख गए, प्रैक्टिस करवाना, ये भांजे जो हैं आपके देवते, ये सलमान खान में भी फिल्म में गए हैं, कुश्ती लड़े सलमान खान से, तो बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। तो आजकल लोग देवते आते हैं आपके पास? आते हैं, वो आज आए नहीं, देखें नहीं, पता नहीं होगा, बुलवाना चाहिए था उसे, मेरे याद में नहीं, तो आज बुलवा लेते तो बहुत अच्छा। हाँ बोलता था, नहीं वो शाम को आते हैं, यहाँ करके जाते हैं। तो पूनम जी अगर बताई थी तो बुलवा लेते, बहुत अच्छा लगता है नहीं, बहुत बहुत इनका वो। और माता जी आप भी अपनी सेहत का ध्यान रखो, जब तक आप हैं हम भी जिंदे हैं, आपकी उम्र लंबी हो, अच्छी हो, है नहीं। और जगदीश से भी मुलाकात करेंगे, जगदीश से मुलाकात नहीं हो पाती, और कभी कभी दिल करता आने को, हम तो घर वाले कहते फिर चला जियो, फिर चला जियो, अरे वहाँ मेरे पैसे लग रहे हैं क्या, जाने दो। तो इन्होंने इंटरव्यू हुआ, आज आपके 2 अखाड़े हैं, कौन सा? एक तो मैंने बनाया गुरु जी का अखाड़ा, एक अखाड़ा ये, 2 परिवार हो गए, और तीसरा अखाड़ा मुझे लगता है कि गुरु जी के नाम से नहीं है। इन्होंने कल पूछा मेरे से, तीसरा अखाड़ा बनाओगे? मैंने कहा एक अखाड़ा ये, एक तीसरा क्या करना है? तो मैंने कहा अखाड़े 2 चले अभी हैं, इन्हें बच्चे बने हैं। और माता जी कोई बताओ मेरी लायक और सेवा? बहुत आपने बहुत साथ दिया, और आप आते हो पर जो और मैंने बताया कि गुरु जी का शिष्य एक जगदू पहलवान जी थे, वो अभी भी आते हैं, परिवार की तरह रहते हैं, पहला शिष्य था वो, बुलाया नहीं, बताया भी नहीं, जो बुलाते इनको भी जल्दी थी कि आज इंटरव्यू लेना, आज लेना, फिर टाइम नहीं मिलेगा, वो भी बूढ़ा आ गया, मेरे की तनिया बेचारा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। और पूनम जी जो है, पूनम जी बहुत सारा खाने का, बच्चा का, लड़के लड़कियां का, वो आपका ध्यान रख रही है, तो मुझे मालूम दिखाई दे रहा है ध्यान पूरा।
पूनम जी का नाम आया तो पूनम जी के पास जाना चाहिए। पूनम जी का काम तो देखो कितना है, एक लेडीज घर को संभाले, दो बच्चों को संभाले और कितने बच्चे आ रहे, दो बच्चे नहीं संभालते हैं, यहाँ 60 बच्चों को संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी देन है, जगदीश का भाग्य है, गुरु जी का भाग्य है, आपका भाग्य है, ऐसी पुण्य हम सबको मिले, मिलती नहीं है, बस कम मिलती है ना माता जी। माता जी वो थोड़ी सी बात रह गई आपसे, मैं पूछ नहीं बैठा, आपका जो लंबा सफर था गुरु जी के साथ, और गुरु जी इतने गुस्से वाले थे और किसी की हिम्मत नहीं उनसे बात करते थे, वो सिर्फ मेरे से बात करते थे और मेरे साथ शादियों में गए कई बार, तो जगदीश काईरमन बोलता था आपकी शादियों में जाते हैं, आपके साथ जाते हैं, तो ये क्या कर दिया। मैंने कहा भैया कुछ पता नहीं, गुरु जी की देन है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके साथ महाराष्ट्र है, आपने पहलवानी करवाई, उसमें क्या क्या समस्या है, जगदीश पहलवान की भी आपने बच्चे की पहलवानी करवाई, फिर आपने भांजों की करवाई, गुरु जी करवाई, बेटे की करवाई, भांजों की करवाई, हाँ, तो ये इन कुश्तियों में आपने सफर काटा, क्या क्या समस्या आई और आपने समस्या का जो है ना उद्धार करा, और कैसे कैसे अच्छा, और सारा खाना बनाती थी और किसी का बनाया हुआ नहीं खाता था, मैं साथ रखता था, और जगदीश छोटा जगदीश को साथ ले जाता, अनुपना मैडम तो साथ चले और मैं खाना आप बनाओ। तो सफर में भी आप ही जाते थे साथ में? हाँ साथ में जाती थी, कहीं भी जब जाते थे, कहीं भी जाते थे मैं साथ जाती। तो सामान काफी होता था माता जी, थोड़ा सामान रखते थे बस, वो बस अपना वो तो अपने एक कट्टा रखते थे, पहले तो उनती ऐसा वो करे कोई कट्टा में, पहले कहाँ गैस थे, कहाँ सिलेंडर थे, वो लकड़ियाँ उसका वो चूल्हा होता है ना तेल डाल के ना, वो साथ में रखते, और वो एक थाली और एक पराठे कट्टे में रखता। तो माता जी उसकी डाइट और उनकी जो बादाम की लस्सी, हाँ, ये पीते थे दूध अक्सर, जो बहुत से पहलवान हैं वो लेते हैं 20-20 किलो पीते हैं, तो गुरु जी की क्या डाइट थी दूध की? उनकी डाइट थी वो बादाम भी पीते थे, दूध भी पीते थे, फल भी खाते थे, फल खाते थे तो काट के ना निकलना वही मैं आ जा मैं खा लूँ, तो चूस चूस के दाँता था, जूस नहीं काटते थे निकलते तो वो रखते थे। अरे सब्जी में घी कितना डालते थे? घी डालती थी मैं ज़्यादा, वो बड़ी 3-4 चम्मच, हाँ, और साथ में घी भी आटा दाल वहाँ से ले लेते थे, सब्जी और खाने के बहुत वो थे, बोला मैं निकंदा मैडम माँ भगवान ने ऊपर वाले ने खाने के लिए भेजा, खाने के मामले में तो जगदीश कालीरमन भी जो है ना गुरु जी पे गए हैं, वो भी साफ सुथरा खाना खाते हैं, वो भी उल्टा सीधा कहीं नहीं खाते ना, मैंने देखा है उनको, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है माता जी आप आराम करो, आपका बहुत बहुत, और मैं तो आपके मेरे पास तो जो गुरु जी का देन जो है मैं इसके बगैर जाता भी नहीं, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इससे कोई किले नहीं खड़े होते, मुझे थोड़ी तसल्ली से जाती है, मैं माता जी के पैरों पर हाथ ला के आशीर्वाद लिया है। तो दोस्तों ये माता जी थी जिनका अभी हमने इंटरव्यू लिया है, अभी ये टू भी कंटिन्यू रहेगा, अभी हम जाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि हमें टाइम दे दे DSP साहब, उनका इंटरव्यू लेने के बाद फिर जो आज हमारी मुलाकात रही है इस अखाड़े में वो एक इतिहास वाली, जैसे मेरे लिए तो इतिहास ही है कि मैं इस अखाड़े में, मैं फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, और ये अखाड़ा देखना लोगों की एक किस्मत में होता है जो कि हमें खलीफा जी ने दिखाया है, मैं धन्यवाद करता हूँ खलीफा जी का। तो सर अब ये फिजियोथेरेपी वगैरह भी वो करते हैं? हाँ माता जी के दर्द रहे घुटनी इसमें पैरों में। अच्छा सेवा भावना है। जब भी आता है मेरे पास दवा के जाता, ये छोटा है क्यों कोई भी मैं छोटा सा आया था, मेरी माँ एक्सपायर हो गई काफी साल हो गए, अब मेरी माँ गुरु जी की वाइफ भी माँ ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल परिवार जो मास्टर जी ने बोला मेरे खाने का कौन सा
बदली हुई तो ले आए वापस। थैंक यू कोच साहब, धन्यवाद। तो एक हमारे साथ अभी सीनियर जो पहलवान जी है श्री मोर सिंह पहलवान जी, वो आ चुके हैं, तो उनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं। मोर सिंह जी नमस्कार, धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कितने साल से मास्टर जी के साथ रहे हैं? मेरा बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी के वो हमने देखा मास्टर चंडिकी राम जी को, और बड़ा वो संघर्ष करा है। गुरु जी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कुश्ती के लिए बनी थी। जब गुरु जी जंगल में जाते थे तो जांगिया पकड़ते थे, जांगिया को छुड़वाने का काम जो है गुरु जी ने करा था। उनकी बड़ी खिलाफत हुई थी कि जांगे को क्यों छुड़वाते हो, तो उन्होंने कहा था गुरु जी ने कि जो इंटरनेशनल जो मेडल है वो जांगे से नहीं आते, कोस्टम से आते हैं, वो कोस्टम को पकड़ा नहीं जाता। तो इस चीज़ों पर बहुत सारी बहस हुई है गुरु जी की। कई अखाड़े में झगड़े हुए हम लोगों के, गुरु जी के साथ जाते थे, हम बच्चे थे तो उनके साथ जाते थे, बड़ा विरोध कराया। गुरु जी ने पूरी ज़िंदगी जो कुश्ती को बनाने में, गुरु जी ने कुश्ती को समझने में दी है। तो आज भी हमारे जो बड़े इंटरनेशनल पहलवान थे वो जांगे पकड़ते थे, और गुरु जी जांगे के खिलाफ थे, वो कहते थे जांगे नहीं पकड़ना चाहिए, हमने जो कुश्ती लड़नी है वो मैट पर लड़नी है, और मैट पर जो है कॉस्ट्यूम पहना जाता है। तो बहुत सारे संघर्ष थे जो गुरु जी ने करे हैं, और देश को दिखाए नहीं गए। गुरु जी ने ही वुमेन रेसलिंग स्टार्ट करी थी, अपने बच्चों को पहले घर से करवाई, उसका बड़ा विरोध हुआ, फिर लेके जाते थे। आज तो बड़ी ये उन्हीं की देन है गुरु जी मास्टर चंडिकी राम जी की, और वो कुश्ती के प्रति बड़े लगनशील थे, बड़े सेंसिटिव थे, बड़े अपना नियम के थे। अगर चाहे कोई लड़का आता था, कोई बच्चा बाहर से आता था और उसने प्रैक्टिस करनी थी, तो उसको कहते थे कि आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, बात नहीं करनी। तो उन जैसे आदमी महान आदमी नहीं हो सकते, उन्हीं की देन है जो ये नर्सरी लगी है, और ये नर्सरी इस युग पे चल रही है। और आज तो आजकल तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो देन थी हिंदुस्तान में वुमेन की, मास्टर चंडिकी राम जी की देन है, और जो कोस्टम के लिए जो संघर्ष करा है वो गुरु जी हमारे मास्टर चंडिकी राम जी ने करा है। आज इनके बारे में ये थी, आज इन्हीं की सारी चीज़ें लोग आप एडोप्ट कर रहे हैं और इनकी राय पे चल रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अपना बचपना इनके साथ बिताया, और इनकी गाइडेंस भी हमने बहुत कुछ सीखा है। सर आपने कितने साल तक गुरु शिष्य परंपरा में रहे इनके साथ, कितने साल तक काम करा? मैं तो 20-25 साल तक गुरु जी को देखा है, और गुरु जी की तो बात ही अलग है। गुरु जी ने एक गुरु जी में बहुत बढ़िया बात थी, इनके अंदर सारे इनके शिष्य एक थे। अगरचे कोई इनका बढ़िया शिष्य है, अगरचे कोई दांव खाता है या चोट हो जाती है तो कहता था क्या है कि मेरे लिए सब एक है। अभी 5 लाख रुपए पे कुश्ती स्टार्ट हुई है, और अगले दंगल में ये 50,000 रुपये भी लड़ते थे। 1 लाख रुपये अभी लड़का है, अगले दंगल में 20,000 रुपये भी लड़ते थे। इनका जो था वो कुश्ती लड़वाना मकसद था, पैसा या व्यापार करना नहीं था। बहुत से दंगल ऐसे होते थे, अखाड़े ऐसे थे हमारे टाइम में जिनकी 2-3 लाख रुपए कुश्ती बनती थी। गुरुजी 1 लाख पे अभी लड़े हैं, और उसी एक हफ्ते बाद 1,000 रुपये भी लड़ गए, 5,000 रुपये भी लड़ गए। तो उनका कहना था प्यार था कुश्ती से, बहुत प्यार था, बहुत प्यार, आपको पूरा जीवन दे रखा था। ऐसे आदमी नहीं मिलेंगे, इनकी सोच को सलाम है, सही बात, ऐसे आदमी नहीं मिल सकते। और इन्हीं की देन है कि हम बड़े खुदनसीबे हैं कि हम गुरु मास्टर चंडिकी राम के शिष्य हैं। इनकी तो बात ये लग है, इनकी पूजा करना इनको एक लेसन है, ये हमारे लिए एक किताब है, एक हमारे लिए लेसन है। इनको देखते इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं, आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन इनकी यादें आज हमारे बीच में हैं। इनकी तो बात ये अलग है, हिंदुस्तान में वुमेन रेसलिंग लेके आने वाले और जांगियाँ नहीं पकड़ने वाले, जो उनको विरोध कर रहा है इन्होंने कॉस्टम पे आना, और उसके कहना मैट की कुश्तियों के बारे में बढ़ावा देना, ये सब मास्टर चंडिकी राम जी की दिन है। तो हम बड़े खुदनसीब हैं कि ये परंपरा हमारे हाड़े से स्टार्ट हुई। धन्यवाद मोहन सिंह जी कि आपने हमें टाइम दिया, हमारे चैनल पे आए, और आगे आशा करते हैं कि आप और अच्छा काम करते रहें, धन्यवाद। तो दोस्तों अभी एक हमारे कोच और हैं दीपक चहार जी, जो हमारे चैनल पे आए हैं, इनसे थोड़ी वार्तालाप करते हैं।
दीपक जी नमस्कार, हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप बताएं कि आप कितने साल से, पहले आपने कुश्ती किनसे सीखी और थोड़ा अपने बारे में बताएंगे। देखिए जी, मेरा मैंने पहले मैंने रेसलिंग रोहतक में मिर्चिंग अखाड़े में स्टार्ट की थी। वहाँ 2005 से वहाँ मैं पहलवानी करता था पहले, और वहाँ से ही मैंने जो है ना श्री मेरे कोच श्री रणवीर ढाका जी है उनके उनके साथ ही उनके द्वारा ही मेरे को कोचिंग दी गई, और उनकी कोचिंग पाके ही मैंने नेशनल में 2-3 बार मेडल प्राप्त किए। और उसके बाद मैंने जो है NIS पटियाला से डिप्लोमा कोर्स किया है, और लगभग 2 साल से मैं मास्टर चिंदीराम अखाड़े में एज ए कोच काम कर रहा हूँ। तो पहले जैसा आप बता रहे हैं आप रोहतक से हैं, तो वहाँ पे गांव जो है डिस्ट्रिक्ट मेरा झज्जर में है, और मैं पहलवानी करता था रोहतक मिर्चिंग अखाड़े। अच्छा, तो रोहतक की लाइफ में और दिल्ली की लाइफ में तो काफ़ी फर्क नज़र आ रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल जी, लेकिन अभी तो जैसे पहले काफ़ी फर्क था, लेकिन अभी जो है लाइफ दिल्ली की और रोहतक की लगभग सेम सी है, कोई ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। क्यों, हर जगह गांव में भी शहर में भी छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें भी दिल्ली जैसा माहौल बनने लग गया है, और वहाँ भी काफ़ी मात्रा में पहलवानी करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आते हैं। तो दीपक जी, मुझे जानना कि जैसा आप यहाँ पे कोचिंग देते हैं तो किस लेवल की जो कोचिंग, मतलब सीनियर को दे रहे हैं या जूनियर को, कुछ बताएंगे? देखिए, यहाँ जैसे हमारे अखाड़े में बिगनर्स जैसे स्टार्टिंग जो होती है उनसे लेके सीनियर इंटरनेशनल लेवल तक पहलवानों को कोचिंग दी जाती है। सभी लेवल के पहलवान यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बार कई बच्चों के इंटरनेशनल लेवल पे भी मेडल हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। तो हर तरह के बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और नेशनल में इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आए। धन्यवाद दीपक जी, आपका टाइम मिला हमें और हमारे चैनल पे आने के लिए शुक्रिया। आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, जल्दी मुलाकात करते हैं दोबारा आपसे। धन्यवाद। तो विजय कौशिक जी, स्वागत है हमारे चैनल पे। कौशिक साहब, आपको कितने साल हो गए हैं यहाँ पे? मेरे को जी करीब 23 साल हो गए यहाँ पे। पहले मैं यही रेसलिंग करता था गुरुजी के टाइम, गुरुजी का शिष्य हूँ मैं, और अब यहाँ पे मैं कोचिंग भी दे रहा हूँ और अखाड़े की व्यवस्था पे भी ध्यान रख रहा हूँ। तो आप दिल्ली से ही हैं वैसे? दिल्ली से ही हूँ जी, मेरा गाँव सुल्तानपुर डुमास है। अच्छा। और मैं सुबह रोजाना एक टाइम यही आता हूँ, सुबह 7 बजे आ जाता हूँ और 10-11 बजे तक यही रहता हूँ। बच्चों को ट्रेनिंग भी देता हूँ और बच्चों का खाने पीने का खाने की का व्यवस्था पे भी ध्यान रखता हूँ। अच्छा, तो आपने मास्टर जी सब कितने साल की कुश्ती सीखी? मैंने जी 88 से 95 तक गुरु जी का शिष्य रहा हूँ जी, मैं यही पहलवानी की है। अच्छा। और मैं नेशनल लेवल का रेसलर भी हूँ और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीता है जी मैंने। और मेरे इंजरी हो गई थी पैर में तो मेरी पहलवानी छूट गई थी। अच्छा, अब तो मैं यहीं पे सेवा दे रहा हूँ, कार्यरत यहीं पर ही हूँ। अच्छा, तो मतलब एक सेवा भावना है कुश्ती के प्रति। हाँ जी बिल्कुल, और गुरु के प्रति आपकी, तो इसीलिए आप इसे अखाड़े को छोड़ नहीं पा रहे हैं। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में मैं रेसलिंग कोच हूँ आउट कैंपस। अच्छा, पंजाब में लवली प्रोफेशनल जो उसमें है। तो कौशिक साहब, मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उस समय जब आप सीखते थे तो उस समय एज ए मतलब जो गुरु जी मास्टर जी थे हमारे, तो तब भी ऐसे ही माहौल था यहाँ पे या कुछ खान जैसे यहाँ पे रखते हैं शिष्य को, यहीं पे रखते थे? यहीं पे रहते थे जी, तब भी रहते थे, आज भी रहते हैं। फर्क चेंज इतना आ गया, पहले तो अपना सब खाना अपने आप बनाते थे, अब यहाँ मैं इसकी सुविधा होगी, बच्चों को बड़ा बड़ा खाना मिलता है, सभी सुविधाएँ होंगी। पहले अपने आप सभी बच्चे अपने आप बनाते थे, अपने आप खाते थे, पहले रेसलिंग करते फिर खाना बनाते, तो थोड़ा कष्ट का काम था। धन्यवाद कौशिक साहब, आप हमारे चैनल पे आए, आपका स्वागत है फिर दोबारा से, और शुक्रिया। आप मतलब इस मंदिर है बेसिकली आपके लिए मंदिर है, तो इस मंदिर में आप इतनी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर दोबारा आपसे मुलाकात करते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, किन की? गुरु जी की। हाँ, वो तो गुरु जी का एक पूरा ब्लॉग बनाऊंगा ना, उसमें होगा। हाँ,
कि हम गुरु जी के किचन में जा रहे हैं जहाँ पे सारा प्रसाद बनता है और जो बच्चों को पूरे दिन यहाँ पे जो लंच ब्रेकफास्ट डिनर वो सब मिलता है। तो मैं अभी टूर कराता हूँ पूरे अखाड़े का। किचन से शुरू करते हैं हम। ये किचन है जहाँ पे सबके लिए खाना बनता है। आपका नाम सर? भूरेलाल। तो ये भूरेलाल जी हैं जो यहाँ पे खाना बनाते हैं। आप यहाँ पे तो सबके लिए प्रसाद बनाते हैं, बेसिकली मंदिर है तो प्रसाद बनता है। तो आपको कितने साल हो गए भूरेलाल जी यहाँ पे? चार साल हो गए। तो आज क्या बना रहे हो आप? आज दूध ब्रेड है। हाँ जी, नाश्ते में दूध ब्रेड। दूध ब्रेड है। और लंच में क्या बनाओगे? दाल रोटी। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं टूर करा रहा हूँ आपके किचन का, आप भी चलते रहिए आइए साथ में, बताते रहिए मुझे क्या क्या है। और समय बताइए, किस समय आप नाश्ता देते हैं? सवेरे 8 बजे नाश्ता। हाँ, 9 बजे खाना। 9 बजे खाना? खाना मतलब अभी खाना दे दोगे आप 9 बजे? 9:30 लंच हो जाएगा। हाँ। और फिर लंच दोपहर और कुछ नहीं खाएंगे फिर बाद में? 11 बजे तक खाते हैं। अच्छा, 9 से 11 आपका लंच हो जाता है। देखिए कितना स्ट्रिक है और कितना अच्छा टाइम है खाना खाने का। जो मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जल्दी खा लेना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए, तो यहाँ पे जो रूल्स रेगुलेशन है बहुत अच्छे बनाए हुए हैं जल्दी खाना जल्दी सोने के। और बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पे खाना बनता है। अभी अगर खाना बनेगा तो मैं आपको दिखाऊँगा कि जब तक हम हैं यहाँ पर अगर खाना बनता तो आपको टेस्ट करके भी बताएंगे कैसा खाना बना है। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको जो रूम है बच्चों के जहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल जैसे है नहीं। ये सारे बच्चे इधर ही रहते हैं, ये उनका रूम है। तो बच्चों आप कहाँ कहाँ से आएंगे बताएंगे थोड़ा सा, आप कहाँ से आए हैं? ये मैं नोएडा से हूँ। आप नोएडा से हैं। आपका नाम? कार्तिक यादव। कार्तिक यादव। और आपका? मेरा नाम नितिन यादव, गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। और आप? जम्मू से। जम्मू से। क्या नाम है बेटा आपका? मोहम्मद रशीद। मोहम्मद हैदराबाद से। अच्छा, आप हैदराबाद से हैं। साउथ इंडिया से काफी लोग हैं यहाँ पे, है ना? क्या नाम है आपका? हिंदी आती है? अरे वेरी गुड वेरी गुड। ये भी हैदराबाद से है। अच्छा, ये भी हैदराबाद से ही है। तो पूरा हिंदुस्तान मास्टर जी के अखाड़े में रहता है क्यों भाई साहब? बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान मास्टर जी। आपका नाम बेटा? यश। आप भी हैदराबाद से ही है? अरे वेरी गुड। तो यहाँ के खाने में वहाँ के खाने में काफी डिफरेंस है ना? तो वहाँ पे तो सिर्फ क्यों भाई साहब? बिल्कुल पूरा हिंदुस्तान मास्टर जी। आपका नाम बेटा? यश। आप भी हैदराबाद से ही है? अरे वेरी गुड। तो यहाँ के खाने में वहाँ के खाने में काफी डिफरेंस है ना? तो वहाँ पे तो सिर्फ सांबर और ये सब चीजें मिलती ज्यादा, मतलब ऑयल जो यूज होता है, राइस ज्यादा चलता है। यहाँ पर रोटी ज्यादा चलता है। यहाँ पे प्रॉपर अच्छा खाना मिलता है, डाइट प्रॉपर। तो एक बात बताओ, ये लंच राजस्थान से भाई? राजस्थान में कहाँ से आप? अलवर जिले से। अच्छा, मैं सुजानगढ़ से हूँ। मैं सुजानगढ़ से, जिला चुरू। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या बेटा? रोहित। रोहित। मेरा नाम भी रोहित है। टाइगर कहते हैं उसको। मैं टाइगर नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि ये कितने बजे आप ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यहाँ पे? 8:30-9 बजे। 8:30-9 बजे इसके बाद खाने का। तो मोस्टली यहाँ पे क्या क्या खाने को मिलता है आपको? हर मतलब हफ्ते का अलग अलग शेड्यूल है। रोज अलग अलग शेड्यूल है। पनीर हुआ, चाप हुई, ये सब सिस्टम मिलता है। शाम को कुछ दाल हुआ, ये सब। वेरी गुड वेरी गुड। और फिर लंच कितने बजे कर लेते हैं आप? 12:30-12:30 बजे। ओहो, मतलब वो पुराने जमाने के टाइम जैसे होता है चौधरी साहब, ये जल्दी खाओ जल्दी सो। 11 बजे से लेके 12:30-12:30 बजे। अच्छा अच्छा। शाम को फिर 8:00-9:30 रेस्ट भी करना होता है, शाम की प्रैक्टिस के लिए रिकवरी करनी होती है बॉडी को। अच्छा, इस वजह से जल्दी खाया जाता है। तो ये क्या आ गया, क्या शेक पी रहे हो आप? नहीं, प्रोटीन है। अच्छा, प्रोटीन लेट दे रहे हो आप। प्रोटीन वो जिम वाली नहीं है? जिम वाली प्रोटीन नहीं होगी मेरे ख्याल से, ये जगदीश काली रमन वाली प्रोटीन है। हाँ, ये देसी प्रोटीन होती है, बहुत बढ़िया चीज है। तो बहुत अच्छा, आपको सबको कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत बढ़िया लग रहा होगा मेरे ख्याल से। बहुत बढ़िया, परिवार की तरह रहते हैं हम सब। अच्छा, फैमिली है ये सब। हमें 4-4, 5-5 साल हो गए सभी को यहाँ पे। अच्छा, आपको 5 साल हो गए यहाँ पे? मुझे 4 साल हो गए यहाँ पे, उसको 3 साल।
रास्ता में कुश्ती होकर चलना हूँ। हाँ जी देखेंगे जी 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 जी। तो मेरे भी वो जो खड़ा है ना दूजे नाम से जो खोला गया है कल वो कुश्ती होगी। आप गुरु जी का अभी यूट्यूब देखो, यूट्यूब में गुरु जी ने पूरा इंटरव्यू दिया हुआ अपने अखाड़े का, मेरे चैनल पे ही है। ठीक है यूट्यूब पे लेखराम बोल दो, लेखराम जी बोल दीजिए आ जाएगा। लेखराम खलीफा खलीफा लेखराम कुछ भी बोल लेखराम अभी देखो देखो अखाड़ा कैसा है। ठीक है जी थैंक यू वेरी मच और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और बिल्कुल अच्छे से मेहनत कीजिए और मास्टर जी का नाम कीजिए, अखाड़े का नाम कीजिए। ऑल द बेस्ट बाय थैंक यू। नमस्कार जी नमस्कार। ये हमारे ये स्टाफ रूम है, कोच साहब रहते हैं, उनका कोई पैनल बाहर से आया उनके ठहरने का ये है। अच्छा ये जो आपके कोच हैं उनके ठहरने का है, कोच साहब का है। और जो गेस्ट आया है बाहर से कोई पहलवान आ जाए तो उनके ठहरने का। अच्छा अच्छा ये जिम है, ये हमारे सर को सब तैयारी कर रहे हैं। अच्छा लगा सर आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया कि आप अच्छे अच्छा वैसे एक बच्चे जो शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए तो शिक्षा तो दे रहे हैं और अपनी सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। देखिए ये समय लेग प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये नी की है, ये जिम है, छोटा सा जिम बनाया हुआ अखाड़े में। ये कितनी साल स्टोरी है मेहरदीन, ये मास्टर जी की कुश्ती की फोटो दिखाई दी हमें पुरानी बहुत। दारा सिंह, अच्छा ये दारा सिंह जी भी है, दारा सिंह रेफरी है। और इसमें दारा सिंह जी रेफरी थे और मेहरदीन को हराया था गुरु जी ने। किसको हराया था? मेहरदीन को, मेहरदीन को हराया था गुरु जी ने 62 में। इसमें टिकट नहीं मिली थी स्टेडियम में, इसमें टिकट भी नहीं मिली थी और इसमें रेफरी दारा सिंह जी थे। अच्छा उसकी बहुत यादें हैं, एक रेसलर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है और गुरु जी ने कितना अच्छे से निभाई है। ये अखाड़ा यहाँ पे प्रैक्टिस करी जाती है, बहुत ही सुंदर वातावरण, बहुत ज़्यादा। देखिए कितनी बड़ी जगह है और उसके पीछे जमुना जी है, वहाँ तक तो शायद मेरा कैमरा नहीं पहुँचेगा क्योंकि फ़ोन है ये, पर पेड़ भी है। हाँ यहाँ से हो सकता दिखाई दे आपको, इस के थ्रू शायद दिखाई दे बीच में जो है। और यहाँ पे सारी प्रैक्टिस होती है कुश्ती की, जिसमें ये रास्ता भी कोई है बंदा जो रास्ता चल सके। मैंने रिक्वेस्ट करी है ये रास्ता चढ़ने के लिए, तो आ गए हैं और ये चढ़ रहे हैं। आ बेटा ये देखिए, ये बेसिकली कार्डियो एक्सरसाइज होती है, ये पकड़ के लिए कार्डियो एक्सरसाइज होती है ना। वेरी गुड, थैंक यू बेटा। और ये जो ये फील्ड दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये जॉगिंग करते हैं यहाँ पे, भागते हो ना, ये प्रैक्टिस करते हैं आप, वार्म अप करते हैं। ये ग्राउंड है जो वार्म अप के लिए है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, तो यहाँ पे भाई साहब रेडी लगाते हैं और फ्रेश जूस देते हैं सारे शिष्य को यहाँ पे, और बहुत बढ़िया जूस बनाते हैं। हाँ भैया दोबारा, उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो ये कितने का गिलास दे रहे हैं? 15 साल हो गए आपको? 15 साल हो गए, 50 रुपए का गिलास दे रहे हैं।
₹50 का बड़ा गिलास, 450 एमएल का। तो सारे बच्चे पीते हैं? हाँ, सारे बच्चे। वेरी गुड। तो आपको रोज का यहाँ पे कितने कितने गिलास आ जाते हैं? 50-60? हाँ, इसी में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो काफी मेहनत कर रहे हैं आप अखाड़े के लिए, आप भी हैं। मजा आता है यहाँ पे? हाँ, मजा आता है यहाँ। चलो चलो, धन्यवाद।